प्राइमस कैसेट्स। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष प्राइमस कैसेट मामू भांजा रोड अलीगढ़ वालों की तरफ से ये कहानी जो लेकर के चल रहे हैं, तो आ जाइए गौर करते हैं। जो इसमें संयोग कर रहे हैं गोपाल भगंदर जी, जिनके सौजन्य से हमारा यहाँ तक आना हुआ। तो आइए देखते हैं, महाराज विक्रमाजीत के इतिहास की ओर गौर करते हैं, एक बहुत पुरानी कहानी की ओर। तो जो प्रमाण मिला कि एक राजा थे जिनके कोई संतान पैदा नहीं हुई, और जब संतान पैदा नहीं हुई तो दुखी होकर के जीवन बिताने लगे हैं। वो महाराज अपनी महारानी के साथ रह तो रहे हैं, सब सुख होने के बाद भी एक पुत्र रतन के बिना जीवन में कोई भी रतन उनके आगे कभी शोभा नहीं देता। हुआ ऐसा कि वो धर्म वीर सुज्ञान महाविद्वान बड़ो सतधारी, सब पीछे करत बड़ाई रे के जनता के नर नारी। समाज के लोग जिनका सम्मान करते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। ए धर्मवीर सुज्ञान महाविद्वान बड़ो सतधारी, हर पीछे करत बड़ाई रे के प्रजा के नर नारी, लेकिन पर है नहीं कोई संतान, बड़े हैरान दुखी दिल भारी। बेटा के भाई जीवन की खुआरी, सज्जनों महाराज अपनी पत्नी के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी बुद्धि में वही बातें गूंजने लगती हैं। बैठ जाते हैं दरबार में, चिंता लग जाती है, लौट के घर पे चले आते हैं, महारानी के पास बैठ जाते हैं, तो भी उसी चिंता में डूबे रहते हैं। हुआ ऐसा महारानी अपने पति को दुखी देख करके खुद भी दुखी हो गई, समझ गई कि हमारे पति क्यों हैरान हैं। फिर भी महाराज अपनी पत्नी से सवाल करते हैं और कहते हैं, क्या कारण है कि किस कारण से तुम दुखी भई। अपनी पत्नी से महाराज सवाल करते हैं कि किस कारण से भी तुम दुखी भई। हे मेरी प्राणन प्यारी है, अपनी उदासी छोड़ दी और अपनी पत्नी से पूछ बैठे हैं, कहिए कहिए किस कारण से तुम दुखी भई। हे मेरी प्राणन प्यारी है, क्या चिंता दिल में लगी भई, अरे सोच मेरे दिल भारी है। महाराज अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन तुम उदास घर में जो घूमती रहती हो, इस बात को निहार करके हमें बड़ी फिक्र है, बड़ी चिंता है, बोलो कुछ तो बोलो। चिंता में फंसी रहे ना जाने क्यों घरवाली।
अपनी पत्नी से कहते हैं, भद्रे क्या कारण है मैं जब भी देखता हूँ तुम दुखी नजर आती हो, आखिर बात क्या है? समाज के लोग सुखी हैं, हम उन्हें देख करके सुखी हैं, प्रजा के लोग हमारा सम्मान करते हैं। तो महारानी कहने लगी, भगवान शायद है आपको नहीं मालूम है कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों व्याकुल हूँ, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। ना घर में कोई संतान सैया उही रही है बदनामी, बोली है अपने प्रीतम से, हाय कहा करे कित जाए किने सुनाए जमन की कहानी, इतनी कह के रोने लगी महारानी। जवाब दिया श्रीमन, सब कुछ होने के बाद कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई, और उस मां के दिल से लग करके पूछो कि तुम्हारे दिल की धड़कने क्या कह रही है जिसके कोई संतान नहीं है। बस इसी बात की फिक्र में चिंता में महारानी अपने पति के पास बैठ के रोती है और समझाती है कि भगवान हमें बड़ी चिंता है, मैं क्या करूं, समाज के लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, घर में कोई संतान नहीं है। महाराज अपनी पत्नी को समझाते हैं, भद्रे आपत्ति में धैर्य धारण करना ही बुद्धिमानी है, और कभी भी मुसीबत को देख करके घबरा जाना यही एक अज्ञानपन है, एक नादानी है। इसलिए समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता, सुत देना या न देना और देकर के छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की माया है। इसलिए महारानी आप शांति से घर पे बैठें, और महाराज अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले हैं, आप चिंता न करें, कोई बात नहीं, अरे घर बैठोरी मेरी महारानी, समझाते हैं और कहते हैं तुम घर पे बैठो, शांति से बैठो, अरे बिना मतलब की बातें अच्छी नहीं है। अपनी पत्नी को समझा बुझा करके महाराज घर से निकल करके राज दरबार में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, जवाब दिया है मैं क्या करूं, क्या करूं, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, और महाराज सबसे बड़ा सुख यही है कि जिसके घर में पुत्र पैदा हो, लेकिन वो दिन हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, देखो महाराज मेरी बात सुनो, पंडित जी समझाते हैं, ये चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है,
को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। कुल पुरोहित समझा रहे हैं, सुनो महाराज, रोने से या चिंता करने से कभी दुख कम नहीं होता। चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है उम्र, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, समझाते हैं। जवाब दिया है कुल पुरोहित ने, सुनो महाराज, चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होते। चिंता करने से केवल आयु कम होती है, उम्र कम होती है, दुख दूर होता है। भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान की भक्ति के अंदर वो शक्ति हुआ करती है जो सूली भी एक कांटे के समान बन जाती है। इसलिए तुम मेरी बात मानो। और बोले हैं वो कुल पुरोहित ब्राह्मण देव, अरे तुम घर में दान करवाइयो, एक बड़ा समझदारी की बात कहते हुए कुल पुरोहित बोले हैं, सुनो महाराज, संसार में सुखी कोई नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम सुखी नहीं हैं, और अगर गौर से देखा जाए तो सुखी कोई भी नहीं है। गरीब कहे कि अमीर सुखी, अमीर कहे सुख राज है वारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखारी। इंद्र कहे बिष्णुज सुखी, बिष्णुज कहे के सुखी त्रिपुरारी, समझ विद्वान कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जवाब दिया कुल पुरोहित ने, सुनिए महाराज, आप अपने घर में दान करें, धर्म करें, संत महात्माओं को बुलवाएं, तो बस यही एक रास्ता है दुखों से दूर होने का। बस ये बात कह करके वो ब्राह्मण देव वहां से चले गए। और उसके बाद महाराज जो थे अपनी महारानी को साथ लेकर के, प्रजा के लोगों को भी साथ लिया, सब लोग संयोग कर रहे हैं। महाराज जो थे अपने आंगन में, अरे उइरा पुण्य दान महलन में, कोई भी साधु संत विमुख लौट करके नहीं जाता, जो मांगता है वही महाराज से पाता है। दान पुण्य में समय बिताने लगे, देखिए विधि का विधान। कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, जो भी संत आता है, जो कुछ कहता है वो दे देते हैं। इधर तो दान हो रहा है, संत महात्मा आ रहे हैं, कहीं संत बैठे सत्संग कर रहे हैं, कहीं बीड़ा बजा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन तब तक एक बूढ़ा साधु उधर से निकल करके आया महाराज और महारानी के पास पहुंच करके। साधु ने अपनी झोली से फल
फल को ददान कारो। ना जाने किस भेष में कभी मिल जाए भगवान, बूढ़े से साधु आए, महाराज और महारानी को देखा, अपनी झोली से सुंदर सा फल निकाला। साधु ने अपनी झोली से के फल को ददा निकारो, तो राजा के हाथ में मधुरो शब्द उचारो। फल लिया, महाराज को दिया, महाराज इस फल को अपनी महारानी को खिला देना, भगवान के नाम पे विश्वास करना, और ये संत का प्रसाद है, तुम्हारे घर में संतान अवश्य होगी प्रभु, अवश्य होगी। बोले महारानी को जाके दे देना, और भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे मन की मुराद अवश्य पूर्ण होगी, यह हमारा आशीर्वाद है। ये कह करके महात्मा चले गए, और जब महात्मा चले गए, महाराज बड़े मगन हुए, महारानी के साथ घर में आए हैं, और सोने साधु की बात को मगन भए नरपाल, महारानी को संगल चल दीने तत्काल। प्राण प्रिया से महल में हर दीनी कथा सुनाई, कर प्रणाम भगवान को, लीजो फल को खाई। जिस समय महाराज अपनी महारानी से कहते हैं, भगवान के नाम पे विश्वास करने के बाद, प्रभु को प्रणाम करने के बाद, और उन महात्मा के चरणों को आप वंदन करने के बाद में इस फल को खा लीजिए, प्रभु के नाम पे विश्वास कीजिए, हो सकता है कि महात्मा की कही हुई बात पूर्ण हो जाए। तो देखिए विधि का विधान, देखिए परमेश्वर की लीला। महाराज महारानी को फल देकर के धीरे से घर से निकल गए। महारानी जब घर में बैठ जाती है, पति के चरणों का ध्यान करती है, और इतना ध्यान रखना, पति ही सर्वस्व होता है, पति के चरणों में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। अनसुईया ने भी सीता को उपदेश देते समय कहा था कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र हुआ करती है, और पति की सेवा के अलावा स्त्री के पास दूसरा कोई चारा, कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए महारानी ने भी वही किया, अरे पति को रे या बसी सरे ना। और
अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और उस फल को लेकर के भगवान के चरणों का ध्यान करके खाना आरंभ करती है। फल जब खाया है, लेकिन परमेश्वर की लीला कुछ अलग थी। तो प्रभु की लीला कछु अजब बनी कि जनता के मगन नर नारी है। समय खा लेती हैं, लेकिन विधि का विधान अलग बना। महात्मा की कही हुई बात सच हो गई। महारानी गर्भ धारण करती हैं, प्रजा के नर नारियों के चेहरा खिल गए, वो रंज एक खुशी में बदल गई। धीरे 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 समय गुजरता चला गया और प्रसव का वक्त आ गया। जब प्रसव का समय आया है, बड़ा सुंदर एक पुत्र पैदा होता है और जब महारानी के पुत्र जन्म लेता है आंगन में, इसी खुशी में हरे द्वारे पे बजी बधाई। ऐसी थी लीला भगवान की। संत के आशीर्वाद से जब घर में सुंदर सा पुत्र पैदा होता है, प्रजा के नर नारियों के चेहरा खिल गए। महाराज दान लुटवा रहे हैं, आंगन में बधाई बज रही है, बधाई में औरतें नाच रही हैं। ऐसा ही नहीं, महाराज सबके दिल भारी उत्साह।
सो प्यारो राजकुमार जनता ने भी निहारो इधर जिस समय पुत्र पैदा होता है उसकी खुशी में आनंद में सब लोग झूम रहे हैं और पुत्र को दुआएं दे रहे हैं, घर में बधाई बज रही है। इधर तो कहानी इसी तरह से रह गई। अब आ जाइए इधर आगे देखते हैं बढ़ करके। रास्ता में ससुराल से अपनी विदा कराने के बाद एक यात्री जा रहा था। रास्ता में विचार किया, लाओ थोड़ी देर विश्राम कर ले। अपनी पत्नी की विदा कराने के बाद आ रहा था, एक धर्मशाला में रुक गया और वहाँ उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद में आराम करने लगे। जब दोपहरी में वृक्ष की छाया में लेट करके सो गए तब तक एक पेड़ से नीचे उतर करके आदमी आया और उस औरत की तंदुरुस्ती को निहार करके बिल्कुल उसके पति का रूप धारण कर लिया। दोनों एक जैसे बन गए। अब वहाँ कलह हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। वो कह रहा है कि मेरी औरत है, वो कह रहा है कि मेरी औरत है। अब औरत असमंजस में फंसी है, क्या करें, दोनों एक ही तरह के हैं, एक ही रूप के हैं, हम किसे कहें कि ये मेरा पति है। औरत बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और वो उधर खींच रहा है। स्त्री एक है, पुरुष दो है, कलह हो गई। हुआ ऐसा, झगड़ा में आगे बढ़े न करी अबारी। कौन सा पति है, क्योंकि दोनों एक रूप के हैं, वो अपनी ओर खींच रहा है। कुछ राहगीर जा रहे थे, लोगों ने कहा, भैया अरे तुम लोग काहे को दुखी हो, क्यों लड़ रहे हो। वो कह रहा है कि महाराज ये मेरी पत्नी है, वो कह रहा है कि मेरी पत्नी है। जवाब दिया तो झगड़ा यहां तुम्हारा शांत नहीं होगा, आप एक काम कीजिए महाराज के पास चले जाओ। तो दोनों फैसला कराने के लिए महाराज के पास आए हैं, वहीं जहां दरबार में महाराज बैठे हुए हैं। तो आइए जरा गौर करते हैं। महाराज ने दूर से देखा, क्या देखा, कि दो पुरुष संग एक नारी, एक उनहारी द्वार पे आए और महाराजा को हाथ रे के जोड़ी के वचन सुनाए। देखा दो पुरुष एक स्त्री, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। स्त्री असमंजस में खड़ी रो रही है,
दोनों आए और महाराज से दोनों हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हमें न्याय की जरूरत है, हमें न्याय दीजिए। और एक स्त्री, वो कह रहा है कि महाराज हमारा फैसला कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी पत्नी है और ये जबरदस्ती मुझसे छीन रहा है। वो कह रहा है, नहीं महाराज, मेरी स्त्री है, हम शादी करके लाए हैं और ये जबरदस्ती मुझसे खींच रहा है, मैं कहां जाए। जो ये वचन सुने महाराज असमंजस में फंस गए, दोनों एक रूप के हैं, दोनों एक समान है, अब अकस्मात में ये कैसे कह दूं कि ये किसकी पत्नी है। स्त्री से कहा, आप इधर आइए, क्या आप इस बात को नहीं जानती हैं कि इन दोनों में से आपका पति कौन सा है। कहने लगी, महाराज क्षमा कीजिए, बचपन में मेरी शादी हुई और उसके बाद में मेरे पति कल मुझे बुलाने के लिए रात में पहुंचे, सवेरा होने से पहले ही मेरी विदा करा के ले आए। अब मुझे यही नहीं मालूम है कि इन दोनों में से हमारा पति है कौन, वो अपनी ओर खींच रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है। महाराज कहने लगी, मुझे नहीं मालूम इनमें कौन से पति हमारे। महाराज मैं क्या करूं, दोनों एक रूप रे, आपस में प्राण हमारे। स्त्री ने साफ मना कर दिया, महाराज क्षमा कीजिए, मैं इन दोनों में से नहीं पहचान पाऊंगी कि कौन से मेरे पति हैं। अब महाराज के सामने दोनों बोले, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो भगवान, ये मेरी स्त्री है और ये जबरदस्ती मुझसे छीन रहा है। दूसरा कहता है, नहीं महाराज, थोड़ा सोच समझ के न्याय कीजिए, ये मेरी पत्नी है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद में, अरे राजा रह गए भोए चढ़ाई, एक ही रूप के थे दिखाई, जवाब दिया, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा मांगते हैं, माफ कीजिए, बस से बाहर की बात हो गई, क्योंकि मेरे यही समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे कह दूं कि स्त्री किसकी है। भाई मुझे माफ कीजिए, हमारे बस से बाहर की बात है, अपना फैसला कहीं दूसरी जगह देख लेना। अंत में ये दुखी हो करके चल देते हैं तीनों प्राणी, लेकिन रास्ता में पहुंच करके वही हाल फिर हो गया, दोनों झगड़ा करने लगे।